थाना कैंट के इलाका मशाइकेवाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। ये जमीन भी वो है जो जोहड़ कहलाती है और पूरे गांव का पानी वहां पर इकट्ठा होता है। और उसी जमीन के ऊपर कुछ नामलों और कुछ इलाके के ही बादशाह अफराद ने कब्जा किया है और अहले इलाका ने एहतजाज किया तो उनको धमकियां दी गई हैं। और मजीद क्या तफसीलात हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के मौजूदीन राणा अरशद, उनसे पूछते हैं। सर पिंड जगह जी तकरीबन 34 कनाल 14 मरले लिफाई अमानी जगह है और यह छप्पड़ जरा मुल्क आजाद होने तो पहला छप्पड़ है। सारी जमीन से लोग काबज हो गए। यह छप्पड़ सिर्फ यह ही रह गया 3 कनाल 2 मरले जिसे 300 घर का पानी पैदा। यह बंदे जड़े ने छप्पड़ भर के इन्हें अगर सेल भी किया 14-15 मरले जगह अगर वेच चुके हैं। 14 मरले जगह अगो फिर काबज हो गए ने और इंतकाल कराया इन्होंने जेली। हालांकि जगह जी रिफाई आमा की अगो इन्होंने गवर्नमेंट की सफाई हुकूमत की जगह शो करके काबज हो गए ने। अगले दिन भी असि इन्हों डके मेरे खिलाफ जाके एप्लीकेशन दी थाने कैंट के मैं SHO साहब ने बुलाया। असि 5-6 बंदे गए हैं और मैं उत्थे जाके वेख किया कि मैं अपनी जमीन च पानी नहीं पैन देना, साड़िया नाल फसल खराब होंदिया ने। यह जो पानी पिंड का जाता है छप्पड़ भरता है तो वापस पिंड पानी लोगों के घर गंदगी पैदा होती है ते राह भी बंद होंगे चौं पिंड का राह। अच्छा, उनका हाथ किसने रोकने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल उन्होंने लोग डरते नहीं, डरते नहीं उन्होंने डरते ना उदो बदमाश बंदे बाहर बंदे ने ते उदो भी कोई साडा हुण मैं सियासतदान ने उसको गए ने उसको फोन कराया ने फोन करा के थाने कैंट के साडे खिलाफ फिर एप्लीकेशन हुई है। तकरीबन 13-14 मरले जगह। दूसरे अफराद एक ना सलीम है कुछ भी नहीं वैसे ही बैठे 14 मरले उन्होंने भरी उन्होंने कुछ भी नहीं। अब जो गांव का पानी है वो वापस वापस गलियों में जाता है। तो आपका कसूर ये है कि आपने रफाई अम्मा के लिए वो जगह वापजार कराने की कोशिश की मैं और आपके खिलाफ भी दरख्वास्त। सर मैं 3 साल तो कोशिश कर रहे हैं और 3 साल तो जो मिसल मुकम्मल होती है वाकदारी आर्डर हो जाते पहले गुम हो जाती है। तो आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा यह गवर्नमेंट अगे की सानू जगह चाहिए वाकदार करा के देन जिदे विच रफाई अम्मा की जगह बल्कि रफाई अम्मा दे विच ही इस्तेमाल हो। जी ये थे इलाके के मौजूद राणा अरशद, जिनका ये कहना था और इनके साथ इनके जो खड़े हैं अहले इलाका उनका भी ये मुतालबा है कि ये जो जगह है ये रिफाई आमा के लिए है और ये बहुत ही कदीम तो कदीमी जगह है जहां पर इलाके के जो उबाश बादशाह अफराद है इन्होंने कब्जा किया है और इसको आगे सेल भी कर दिया है जो कि सरासर गैर कानूनी है। और जो जो इदारा इस जेल सर्ज में मुलवश है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और हमारी इस जगह को वागुजार करवाया जाए ताकि यहाँ पर इलाके का जो गंदा पानी है वो वहां पर इकट्ठा हो और या उसको निकासी मिल सके, वरना इलाके का जितना भी गंदा पानी है दोबारा गली में आ जाता है जिससे तफन फैलता है और बीमारियां फैलने का खतरा भी है। कैमरामैन टीम के साथ अतर